खबर इंदौर से है, जहां आजाद नगर में दो परिवारों के बीच बच्चे से गाड़ी गिरने की बात पर तलवारें निकल गईं। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गाड़ी मालिक ने तलवार लाकर बच्चे के पिता के सिर पर दे मारी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से डंडे और पत्थर चलने लगे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, झगड़ा शांत करवाकर घायलों को अस्पताल भेजा। रात में पुलिस ने गाड़ी मालिक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी मारपीट को लेकर कार्यवाही हुई है। टीआई इंदेश त्रिपाठी के मुताबिक घटना मूसाखेड़ी के मयूर नगर की है। यहाँ रहने वाले सुरेश यादव की शिकायत पर श्यामू यादव, उनकी पत्नी कविता, बेटा अंकुश यादव और पिंटू यादव पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक श्यामू यादव की पत्नी की स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। विकास यादव के 11 साल के बेटे से वह गलती से गिर गई। इस बात पर श्यामू ने घर के बाहर आकर विकास के बेटे को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। इस बात को लेकर विकास व उसके परिवार के लोगों ने आपत्ति ली थी। तभी श्यामू अपने घर से तलवार लेकर आया और वहीं विकास के सिर पर मार दी। इसके साथ ही श्यामू के परिवार से उसके बेटे और पत्नी ने विकास के परिवार के लोगों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। सभी ने गली में पत्थर भी फेंके। पुलिस के मुताबिक इस संघर्ष में दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं, जिसमें श्यामू की शिकायत पर विकास, सुरेश यादव, पत्नी कविता पर मारपीट करने और अपशब्द कहने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को रात में ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक विकास लोडिंग ऑटो चलाता है, जबकि श्यामू रेस्टोरेंट पर काम करता है। मयूर नगर में गली नंबर 18 में दो परिवार आसपास रहते हैं, एक श्यामू यादव का और एक विकास यादव वगैरह है। तो आज दिन में ये विकास यादव के परिवार का एक लड़का है, उसके बच्चे से छोटी सामने वाले की श्यामू की स्कूटी गिर गई। इस पर से वो गाली गुफ्तार करने लगे। इन लोगों ने माफ़ी मांगी और मना किया, गाली वाली मत दो। बात बढ़ गई और वो श्यामू आया तलवार लेके और विकास के सर में मारी, जान से ख़त्म करने की नीयत से। उसको करीब 10-12 टाँके और दूसरा डंडा मारा उसके लड़के ने, अंकुश ने। इसका साला है पिंटू और इन लोगों ने मिलकर विकास के भाई को, उसके भाई की बहू, पत्नी को, सपना को, अरुण को, सुरेश को और छोटे लड़के आयुष को मारपीट की